चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त, उपद्रवियों पर लगेगा गैंगस्टर, आरोपियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कानपुर उपद्रव में अब तक 18 गिरफ्तार, आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, हमें पर्याप्त मात्रा में मिल चुके वीडियो फुटेज, इसी के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। कानपुर हिंसा में उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने की है प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश। कानपुर हिंसा के सीएम योगी ने लिया है पुलिस कमिश्नर से जानकारी, दोषियों पर एफआईआर का आदेश। कानपुर हिंसा पर सीएम योगी सख्त, कहा बिना किसी ढील के सुनिश्चित करें कठोर कार्रवाई, छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से ले अधिकारी। सीएम योगी बोले चिन्हित किए जाएंगे अवैध धार्मिक स्थल, दोबारा तेज ना हो लाउडस्पीकर की आवाज। कानपुर की घटना के बाद नोएडा में अलर्ट, आबादी वाले इलाकों में बढ़ाई गई गश्त, आला अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ किया गश्त। यूपी के बांदा में भी अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ मार्च निकाला। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा, पूर्व नियोजित हिंसा की साजिश, उपद्रवी ठेले में लेकर आए थे पत्थर। हिंसा के चश्मदीदों के मुताबिक बाजार बंद कराना तो बहाना था, यहां की हिंदू आबादी ही उनके निशाने पर थी। कानपुर हिंसा पर सूफी खान का एसोसिएशन का बड़ा बयान, कहा कानपुर हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन। कानपुर हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा जुमे की नमाज अदा करने का सम्मान है लेकिन यूपी में जुर्म करने की इजाजत किसी को नहीं। कानपुर हिंसा के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को ठहराया जिम्मेदार, बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की उठाई मांग। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद को लेकर विवाद, हिंदू संगठन ने दिया है श्रीरंगपट्टनम चलो का नारा। हिंदू संगठन का दावा, टीपू सुल्तान के जमाने में बनी मस्जिद असल में हनुमान मंदिर, मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। रेलवे कराएगा ट्रेन से राम सेतु तक की यात्रा, दक्षिण भारत में रामेश्वरम से लेकर राम सेतु धनुषकोडी तक फिर बनेगी रेलवे लाइन। 1964 में आए साइक्लोन में बह गई थी रेलवे लाइन, तकरीबन 6 दशक बाद भारत सरकार इस लाइन को बनाने के लिए तैयार। घाटी में दहशत का पाकिस्तान कनेक्शन, सुरक्षा बलों की सख्ती से डरा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। आतंकियों को छोटे हथियार थमाकर करा रहा टारगेट किलिंग, सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने गुर्गों के जरिए 100 से ज्यादा पिस्टल बांटी। गृहमंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ और पंचकुला दौरा, चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक में करेंगे शिरकत, मूसेवाला के पिता से भी कर सकते हैं मुलाकात। पंचकुला में अमित शाह करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ, देश भर के करीब 8,500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। राज ठाकरे की 5 जून की अयोध्या यात्रा को लेकर तैयारियां भी शुरू है, अयोध्या यात्रा के लिए पुणे में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अयोध्या में सीएम योगी का मनाया जाएगा जन्मदिन, 5 जून को अयोध्या में जन्मदिन को लेकर होगा बड़ा आयोजन। अयोध्या की रामकथा पार्क में जुटेंगे लाखों समर्थक और साधु संत, सीएम योगी को देंगे जन्मदिन की बधाई। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज बहराइच और श्रावस्ती दौरा, सिंचाई और जल संसाधन के तहत चल रही योजनाओं का करेंगे निरीक्षण। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का आज शाहजहांपुर दौरा, अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन कार्यक्रम में होंगे शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के माइन सेक्रेटरी की बड़ी है मुश्किलें, पूजा सिंघल को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सीएम केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें, 9 जून तक ईडी कस्टडी में भेजा गया। ज्ञानवापी मामले पर विश्व हिंदू परिषद जल्द ले सकता है बड़ा फैसला, 11 और 12 जून को वीएचपी ने बुलाई है बड़ी बैठक। बैठक में काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर होगा मंथन, बैठक में शामिल होंगे वीएचपी के पदाधिकारी और देशभर के बड़े प्रमुख संत। अंबाला कैंट में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करेंगे नवनिर्मित
स्विमिंग पूल का उद्घाटन। इस मौके पर अनिल विज भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सेना के 3 जवान और 1 नागरिक भी घायल। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में चला निगम का बुलडोजर, सड़कों से अतिक्रमण हटाए गए। यूपी के एटा में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर, कई दुकानों और शोरूम को कब्जा मुक्त कराया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चला बुलडोजर, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए। झारखंड के बोकारो में चला पीला पंजा, अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। समाजवादी पार्टी आज करेगी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा। अखिलेश यादव ने हारे हुए प्रत्याशियों की लखनऊ में बुलाई बैठक। अयोध्या में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन, साधु संतों सहित हजारों समर्थकों के साथ निकाली यात्रा। यूपी के बस्ती में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, बेटे के सामने गला काटकर मौत की घाट उतारा। यूपी के महोबा में बेटे की चाहत पर पत्नी से मारपीट, पति ने अपनी पत्नी को किया लहूलुहान, पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के औरैया में रोडवेज की बस बनी आग का गोला, कानपुर से इटावा की ओर जा रही थी रोडवेज बस। बिहार में जातिगत गणना को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद बनी सहमति, 500 करोड़ की राशि का भी आवंटन। बिहार में होने वाले जातिगत गणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार में जातिगत गणना का स्वागत करता हूं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी बने कड़ा कानून। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत गरमाई, जेडीयू और बीजेपी में ही सीटों को लेकर फंसा पेच, अब तक नहीं हो पाई है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा। जिन 4 सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट उतारे जाएंगे उनमें जेडीयू ने 50-50 की मांग रखी है। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू। बीजेपी के नेता जीत चौधरी का बयान, हमारे शीर्ष नेताओं की कमिटमेंट थी, जिसकी जितनी सीट होगी उन्हें दिया जाएगा। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि छोटे दलों को एलिमिनेट करती रही। कांग्रेस प्रवक्ता के राजेश राठौर का बयान सामने आया है, कहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं वो हर किसी से छुपे नहीं। सासरा में जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं और पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें पंचायत के अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बिहार सरकार करेगी अपनी योजनाओं की समीक्षा, सप्ताह में 2 बार की जाएगी समीक्षा। योजना पार्षद अध्यक्ष और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी। माइनिंग लीज और शेल कंपनी केस में झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, माइनिंग लीज में दायर याचिका को कोर्ट ने बताया है मेंटेनेबल, याचिका को किया गया स्वीकार। झारखंड से राज्यसभा के दोनों प्रत्याशियों को मिला है जीत का प्रमाण पत्र, जेएमएम की महुआ मांझी और बीजेपी के आदित्य साहू की निर्विरोध हुई है जीत, 2 सीटों के लिए मैदान में थे दोनों उम्मीदवार। प्रदेश स्तर से लेकर राज्य सभा तक का सफर तय करने का महुआ मांझी का बयान, कहा स्टेट पॉलिटिक्स करने के बाद अपर हाउस में जाने का मौका एक बड़े सम्मान की बात। झारखंड को अलग राज्य बनाने वाले आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की पहल, सीएम हेमंत सोरेन ने की है नए फॉर्मेट की लॉन्चिंग, कहा आंदोलन में योगदान देने वालों और उनके आश्रितों को मिलेगा योजना का लाभ। धनबाद में राज्य सरकार पर जमकर बरसे पूर्व सीएम रघुवर दास, खनन लीज मामले पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना तथ्यों के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच का दिया गया आदेश। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में और कसता जा रहा है ईडी का शिकंजा, प्रेम प्रकाश से फिर हुई पूछताछ, 4 जिलों के खनन पदाधिकारियों से उगलवाए जा रहे हैं राज। मधुबनी पुलिस ने पप्पू हत्याकांड का किया खुलासा, 4 अभियुक्त गिरफ्तार, लड़की के पिता ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी प्रेमी युवक की हत्या। बेतिया जिले के नौतन थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच में जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या, पीड़ित परिजनों ने हत्या करने वालों के घर के सामने ही मृतक का कर दिया अंतिम संस्कार। सिवान में मौसाद संगठन की ओर से चिपकाए गए हैं पोस्टर पर, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को जान से मारने की दी गई धमकी, पोस्टर में 1 महीने का दिया गया वक्त। दरभंगा में स्वच्छता अभियान के दौरान अलीनगर के बीडीओ ने खोया है आपा, भरी मीटिंग के दौरान महिलाओं के साथ किया गाली गलौज, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। सिवान का सिसवन थाना बना लड़ाई का अखाड़ा, ड्यूटी के दौरान थानेदार और ड्राइवर के बीच में मारपीट, धंधेबाजों से वसूली का मामला, आमरण अनशन पर बैठे ड्राइवर।
गिरिडीह में नदी घाटों से अवैध बालू छाप करने वालों पर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। बदगुंदा इलाके में अवैध रूप से डंप किए गए हैं 50 लाख कीमत के बालू को किया गया जब्त। बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर के गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला, पुलिस ने आरोपी की मां को हिरासत में लेकर पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में भेजा। मधुबनी के हल्लाखी थाना इलाके में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने 65 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस तस्करों के नेटवर्क को खंगाल रही है। पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके में 5 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर महालक्ष्मी ज्वेलरी में डकैती को अंजाम दिया है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना सिटी के फतुहा थाना इलाके में अपराध की योजना बना रहे स्कूटी सवार दो संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से एक हुंडई कार और साथ ही एक पिकअप वैन भी जब्त की। भोजपुर जिले में आज चॉकलेट खाने से एक बच्चे की मौत हो गई, पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी। मधुबनी के नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया, अधिकारियों द्वारा महिला से पूछताछ जारी। मोतिहारी पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, कई मामलों में फरार कुख्यात अपराधी के साथ छह अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से दो पिस्टल, एक कट्टा, गोली और 1 किलो ड्रग बरामद। भागलपुर में नवगछुआ के दियारा में छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर कुख्यात गुरुदेव ने चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में एक ही परिवार के 3 बच्चे नदी में डूबे, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद भाई को तो डूबने से बचाया। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा। देवघर में राजेश कुमार के बचाए मामले में अब नया मोड़, देवघर डीसी ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जांच के उपरांत तो पदाधिकारी पर कार्रवाई का दिया भरोसा। रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना इलाके में एक महिला की भेरे में से हत्या, पुलिस ने 4 लोगों को हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। सिवान के महाराजगंज के पटेढ़ा गांव में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, स्थानीय लोगों ने शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जाहिर। धनबाद के टोप चांची थाना के अंतर्गत कुएं में शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन में जुटी। गुमला के घाघरा थाना इलाके में सांप के ढसने से 11 साल की लड़की की मौत, चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित किया। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 अलग अलग चर्चित हत्याकांडों में शामिल 8 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह में जिला टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, ताराटांड से 1,06,000 CFT बालू जब्त। DMO सतीश नायक ने कहा है कि टीम की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मधेपुरा में उत्पाद टीम को मिली है बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार तस्करों पर मामला किया गया दर्ज। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने विधायक कार्यालय सभागार में एक प्रेस वार्ता को किया संबोधित, कानून व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोकारो उपायुक्त ने अवैध खनन मामले को लेकर टास्क फोर्स के साथ की बैठक, कहा खनन मामले में जिस भी थाना इलाके में अवैध उत्खनन हुआ हो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, कोरोना के चलते विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन में हुई देरी पर किया गया है विचार विमर्श। पश्चिम सिंहभूम में महिला आधारित अपराधों में लगाम कसने के लिए महिला पुलिसकर्मियां अत्याधुनिक संसाधनों से उनको लैस किया गया, महिला पुलिस अधिकारियों को स्कूटी और टैब भी दिया गया। गोपालगंज दौरे पर पहुंचे सुबह के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम की जमकर की तारीफ। पीएफआर कम मिलेगा ब्याज, सरकार ने ब्याज दर घटाकर 8.10% की है, 6 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। गौतम अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी बने एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन, दुनिया में 8वें नंबर पर। सर्विस चार्ज को लेकर सरकार जल्द ला सकती है नियम, सरकार ने रेस्टोरेंट और होटल में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को बताया गलत। रसोई गैस सिलेंडर पर खत्म हुई सब्सिडी, अब सिर्फ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी 200 रुपए की छूट। रतन टाटा को मिला नोएडा एयरपोर्ट बनाने का ठेका, साइरस मिस्त्री को फिर से दिया झटका। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर से हुआ था मुकाबला।
केके के साथ कोलकाता में परफॉर्म करने वाली सिंगर बोली, भीड़ देखकर केके कार से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। बीजे और मॉडल अनुष्का डांडेकर बनी बेटी सहारा की मां, सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी। ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना करने जा रही बॉलीवुड में डेब्यू, एक्टर ने स्पेशल पोस्ट लिखकर दी बधाई। शादी के सवाल पर बोले कार्तिक आर्यन, में शादी में विश्वास करता हूं, फिलहाल काम पर फोकस करना चाहता हूं। पंकज त्रिपाठी स्टारर शेर दिल का ट्रेलर हुआ रिलीज, 24 जून को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों ने शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर की जमकर नारेबाजी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर चल सकता है राजद्रोह का केस, 25 मई को आजादी मार्च के दौरान अराजकता फैलाने और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के तहत हो सकती है कार्रवाई।